बंद कर दोगे ना फिर तो मेरे हृदय में प्यास फिर लग जाएगी, इसलिए आप कथा को बंद मत करो। अभी प्रश्न होता है फिर ये सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में सारी कथा क्यों बोल दी, उस उदाहरण देकर समझाए। जैसे जेठ के महीना एकदम कड़ी का धूप पड़ रही है और किसी ने प्यास हमारे धूप से बड़े दूर से आ रहा है, छाती प्यास हमारे फट रहा है, किसी ने एक ग्लास बड़े सुंदर पानी में नमक डाल करके मिश्री डाल करके बड़े सुंदर कोई शरबत बनाया एक ग्लास दे दिया, अब क्या करोगे बोलो, पूरा के पूरा पी जाओगे हैं एक श्वास में, क्यों छाती फट रही थी। कहते उसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी ये कौन है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कनन। जैसे उन्होंने एक ग्लास जैसे एकदम ढंडक कर पी ले तो ऐसे ही उन्होंने एक श्लोक को द्वारा पूरा कृष्ण कथा को पान कर लिया है, पान कर लिया। इसलिए जब परिकेत महाराज की उत्साह को देखे फिर तो उन्होंने तीन तीन दिन तक उन्होंने कृष्ण कथा को सुनाई। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए यहाँ पर कहते कथी तो सविस्तार भवता सोम सूर्यो, कहते भागवत में दो वंशावली की कथा है, एक सूर्य वंश और सूर्य वंश में भगवान श्री राम हुए। बोले श्री सियावर राम चंद्र की, और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण आए। लेकिन यद्यपि इसी दोनों वंश में बड़े 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 क्षत्रिय लोग आए, बड़े राजा हुए हैं, लेकिन कृष्ण कन्हैया की जितने सुंदर कथा प्रभु राम की जो कथा है ना, ऐसे कथा और किसकी है नहीं, ये दोनों की कथा सबसे सुंदर कथा। विशेष करके हमारे सनातन धर्म में ये दो भगवान ऐसे हुए राम और कृष्ण, ऐसे सुंदर लीला की, इतने सुंदर और लीला किसकी है नहीं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम और एक कृष्ण हमारे श्री लीला पुरुषोत्तम है। कहते ये कृष्ण कथा कैसे है, बोले तीन गंगा है, एक गंगा स्वर्ग में जिसका नाम मंदाकिनी, उस स्वर्ग लोगों को कल्याण करती है, दूसरी गंगा भारत में जिसका नाम भागीरथी, तीसरा गंगा मर्त्य श्री पाताल लोक में जिसका नाम भोगवती। जैसे तीन गंगा तीन लोगों को पवित्र करती हैं, कृष्ण कथा भी तीन लोगों को पवित्र करती हैं, सुनने वाले बोलने वाले और ये प्रश्न करने वाले। कृष्ण कथा इतने मीठी है, बोले निप्रीत तसई रूप गीयमानात भगवान औषध छत्र मन विरामात कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात विमान पुर विरज्यते विनाप सुखनात। बोले कृष्ण कथा में इतने मीठा है, जो आत्मा में रमण करने वाले बड़े बड़े जोगी बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी भी सुखदेव गोस्वामी चतुसन जैसे व्यक्ति कहते कुर्बन अहितुकी भक्ति इथम भूत गुणहरी। हरी की इतने सुंदर कथा है, जब बड़े बड़े ज्ञानी भगवान की कथा सुनते हैं वो सारे ब्रह्म ज्ञान ध्यान को छोड़ करके बोले कुर्बन अहितों की भक्ति, भगवान को भक्ति करने लग जाते हैं। इसलिए कहते अगर ये भवसागर से कोई पार होना चाहते हैं, बोले सबसे मीठी दवा क्या है, बोले भगवान की कथा सबसे मीठी दवा, केवल कथा सुनो और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कथा सुनते सुनते ही ये भवसागर से हम पार हो जाएंगे। इसलिए जिस समय कंस ने बड़ी अत्याचार ये पृथ्वी लोगों पर की, इसको अत्याचार में दुखी होकर के पृथ्वी ब्रह्मा जी को पास में फिर शंकर जी को पास में फिर इंद्र को पास में जाकर कहे, और ये सब के सब खीर समुद्र के तट पर जाकर के पुरुष सुक्त मंत्र से भगवान को उन्होंने पुकार जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय बल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय बल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। संत लोग जेल में बैठ बैठ कर
ठाकुर जी को पुकार, हे पालनहार, हे प्रभु कब आकर के दुष्टों को आप विनाश करोगे। इतने में कंस अपना बहन देवकी को वसुदेव को साथ में शादी करवाई, बहुत कुछ उन्होंने दहेज रूप में दिया। जब स्वयं को सारथी बन करके विदाई कर रहा था, इतने में आकाशवाणी हुई, बोले रे मूढ़ कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, देवकी की अष्टम गर्भ की संतान तेरे काल बनेगा। कंस दिखाना रहेगा बांस न बजगी बांसुरी। उसने लिखाला तलवार निकाल करके देवकी की चोटी पकड़ करके मारने जा रहा था। इतने में वसुदेव महाराज ने उन्होंने तरह तरह से उसको समझाने लग दिया, उनको है साम दाम दंड भेद नीति से समझाने लग गए। बोले देख कंस, शादी का समय जो आत्मा छह विकार से अतीत है, कि नैनम छिंदति शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैन क्लदंत न सोचुत मार्त, इसलिए अस्त्र से काटा नहीं जा सकता, आग में जलने वाले नहीं, पानी में भिगने वाले नहीं, ये नित्य है। जैसे एक कपड़ा पुरानी होने पर छोड़ करके हम एक नया कपड़ा धारण करते हैं, ठीक ये आत्मा ये शरीर पुरानी हो जाने पर छोड़ करके के नए शरीर। उनने बहुत कोशिश की समझाने के लिए, लेकिन ये तो दुष्टों को साथ में रहता है, हैं? ये सब मांस खाने वाले दैत्यों को साथ में रहने वाले, इसका बुद्धि कहां सुधरने वाले, जब किसी तरह से माना नहीं। बोले देख कंस, तेरे को पता मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बोले मेरे को तो पता है। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मेरे जितने सारे बच्चे तेरे को दे दूंगा, बच्चों को मार डालना, लेकिन ये देवकी को मत मारो, ठाकुर को जो इच्छा है, हैं? ठाकुर जो इच्छा है। अभी इसने छोड़ दिया, उसका जो पहला पुत्र हुआ वसुदेव महाराज, वो बच्चे को लेकर कंस को हवाल कर दिया। कंस का हृदय तक तो पिघल गया, अपना बच्चे को काल को हाथ में। कंस प्रसन्न हो गया, बोले तेरे सत्यवादिता में मैं संतुष्ट हूँ, ये बच्चे को ले जा, मेरे अष्टम गर्भ का बच्चे से मेरा मतलब है। नारद जी ने देखा भैया गड़बड़ी हो गया। बोले क्यों, भगवान कब जन्म लेते हैं, जब पाप की घड़ा भर जाए। लेकिन इसके हृदय में तो दया की भावना आने लग गया, ये तो देवकी के ऊपर में मेरे भाइयों को ऊपर दया किया, अगर कोई व्यक्ति दया करेगा तो मैं इसको मारूंगा कैसे। इसलिए इतने में श्री नारद जी बस बिना बजाते बजाते श्री नारद जी आ गए एक बगीचा में। कंस जी को बुलाया, बोले देख कंस, अभी मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ, मैंने देखा पितामह ब्रह्मा जी सारे देवता को बैठा करके मीटिंग कर रहे थे, जानते हो क्या, तेरे को मारेंगे कैसे, सावधान, ये जितने जदुवंशी और कोई नहीं, सब देवता हैं, ये जितने गोपी कोई नहीं, दे दिया ये सब प्लानिंग कर रखा है तेरे को मारने के लिए। तब उन्होंने कमल फूल लाए थे जिसमें आठ पंखुड़ियां थी। बोलो तो इसमें पहला कौन, आठवा कौन? बोले गिनो। बोले एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। बोले उल्टा से गिनो। बोले एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। बोले समझ गया। बोले गुरुजी, गुरु के बगैर तो ज्ञान नहीं होता, आप ही समझाओ। बोले देख, तुम तो इधर से एक दो कर रहे हो, अगर देवता लोग उल्टा से गिनेंगे तो क्या होगा, जिसको पहला ना वो हो जाएगा आठवा, और जब बच्चे आठ बच्चे होंगे, बड़े होंगे कि नहीं, सब मिल करके मारेंगे। बोले गुरुजी, सबको मार दूं? बोले भैया मैं क्यों बोलता, बोलू तू जानता, तेरा बात जानता, भाई भड़का दिए। ए नारद जी वहां से भाग गए। ए कंस तो, बोले देवकी बताओ तेरे पुत्र कहाँ है, ऐसे करते करते छह बच्चों को मार डाले। देखो यहाँ प्रश्न होता है, नारद तो संत है, ये संत ये बच्चों को मरवाया क्या? बोले उन्होंने मरवाया नहीं, इनको मुक्ति करा दी। बोले कैसे? बोले ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीच थे, जब एक समय ब्रह्मा जी उन्हें एक बेटी जन्म दी सृष्टि की, वो बेटी इतनी सुंदर थी, ब्रह्मा अपना बेटी में आसक्ति हो गए और अपना बेटी को पीछे भाग गए हिरण बनकर। हमें पता चलेगा भैया हम कौन है, कहाँ से आए, ये संसार किया जाना कहाँ, ये जीवन कितने दुर्लभ है, 84 लाख जन्मों के बाद में मिला, भगवान बारंबार ये जीवन नहीं देंगे, ये मानव शरीर नहीं, मुक्ति की दर्जा पर खड़े हुए, अगर ये जीवन पाकर भजन नहीं करके फिर वही 84 लाख जीवन में भटकना पड़ेगा, ये कहाँ से पता चलेगा, ये सत्संग से पता चलता है। इसलिए इसको बताया तीसरा स्टेज है ये भजन क्रिया, फिर जब सत्संग से पता चलेगा फिर
भजन करना शुरू करेगी। बोले चौथा जो स्टेज है जब भजन करेंगे फिर हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ ये धीरे धीरे खत्म होगा, ये अनर्थ निवृत्ति। उसको बाद में फिर आएगा रुचि आएगी, फिर उसको बाद में देखो अभी जैसे प्रभु का भजन करने के लिए बोलो भगवान के नाम कर लिए रुचि नहीं होगी, लेकिन बोले टीवी को सामने बैठे तीन तीन बैठा दे, लेकिन बोले 10 मिनट प्रभु का नाम जप कर नींद आ जाएगी। बोले कारण क्या? बोले हमारे हृदय में बड़ी अनर्थ है, ये अनर्थ चार तरह का है, तत्व ब्रह्म असत तृष्णा अपराध, ये चार तरह का अनर्थ है। काम क्रोध जब हृदय में खत्म होगा उसको बाद में फिर इतनी अच्छी लगेगी, फिर प्रभु का भजन नहीं छूटेगी। उसको बाद में आता है निष्ठा। निष्ठा मतलब क्या है? उसको बाद में इतने पक्की बन जाएंगे भजन में, भले ही सारा दुनिया जाए लेकिन प्रभु का भजन नहीं छूटेगा। जैसे मीरा भजन कर रही थी, उसको पीछे सारा दुनिया पड़ गई, पति उसकी देवर जेठ ननद सब पीछे पड़ गई, लेकिन मीरा ने भजन छोड़ी नहीं, छोड़ी प्रभु का भजन उसने नहीं छोड़ी। लेकिन एक दिन देख किसका नाम हो रही, मीरा की नाम हो रही है। इसलिए देखो भजन में बड़ी बड़ी बाधाएं विपत्ति आती है, गद्दे काम करने के लिए जाओ कोई रोकने ठोकने वाले नहीं तुम्हें, लेकिन प्रभु की माला जप करने के लिए जाओ गले में कंठी तिलक लगाओ बोले तो बड़े साधु बन गए हैं, दिन भर माला लेकर भजन करते हो। इसलिए गलती काम करना देखना कोई कुछ बोलेगा नहीं, भक्ति करने लग जाओ बोले कोई उम्र है तेरा, अभी से जब कंठी माला अभी से तिलक किया तुमने क्या लगा दिया, बड़ी बाधाएं हैं। इसलिए लेकिन इतने निष्ठा बन जाते हैं भले ही सारा दुनिया जो कुछ बोले लेकिन प्रभु का भजन नहीं छोड़ते। उसको बाद में आसक्ति आती है, हैं? आसक्ति उस बात आती है, क्या है? भाव अवस्था आती है। ये भाव अवस्था क्या है? जैसे ये अवस्था वर्णना किया है, कभी कभी ठाकुर का मीठी मीठी बंसुरी आवाज सुनने मिल जाएगी, कभी ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर आकर अधरा में तपान कर गए, कभी ऐसे लगेगा ठाकुर जी हमें स्पर्श कर रहे हैं, कभी ऐसे लगेगा ठाकुर की चरण की नुपुर की आवाज आ रही है, ये सब चिन्ह दिखने को मिलेगा, ये भावावस्था। लेकिन अष्टम स्टेज प्रेम। प्रेम मतलब क्या? जब साक्षात ठाकुर जी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए ठाकुर जी अष्टम स्टेज में आए, ये जो छह बच्चे को मारे ये छह बच्चे किया, बोले ये काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, पहले ये चीज को खत्म करो। उसको बाद में बलदेव प्रभु आए, कहते बलदेव प्रभु कौन है? बोले ये संधिनी शक्ति की अधिष्ठात्री देवता, भगवान की धाम स्वरूप, जो भगवान को धारण करने वाले श्री बलदेव प्रभु, 10 शरीर और 5 रसों से सेवा करने वाले श्री बलदेव प्रभु। बोले श्री दाऊ भैया की। इसलिए बलदेव प्रभु पहले देव के गर्भ में आए, इनको जोग माया आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापन कर दी, उनकी और भी एक पत्नी थी रोहिणी, इसलिए जब गर्भवती धारण की गोकुल में उन्हें छुपा कर गोकुल में छोड़ दिया। बोले क्यों? ये तो सबको मारना है, होना इनका वंश निर्वंश हो जाए, कम से कम कोई तो रहे जो कि राज्य शासन करे, इसलिए पहुंचा दिया। और अष्टम गर्भ में भगवान श्री कृष्ण जन्म ले रहे हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए अभी भगवान कृष्ण आ रहे हैं, लेकिन कृष्ण आए कैसे? इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जो जन्म और कर्म ये दिव्य अवलौकिक है। लेकिन हम लोगों का जन्म कैसे हुआ? पिता माता के मिलन से हमारी जन्म शुक्र जन्म है, शुक्र से हम जन्म हुए, क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी वायु अग्नि जल आकाश से बना हुआ। लेकिन भगवान की शरीर किस चीज में बनी हुई? बोले सचिदानंद रूपाय, भगवान सत चीत आनंदमय भगवान, हमारे जैसे शरीर नहीं, शुक्र जन्म नहीं। इसलिए पहले भगवान वसुदेव का हृदय में प्रकट हुए और वसुदेव महाराज देवकी को बड़ी सुंदर सुंदर कृष्ण की कथा सुनाई, भगवान शब्द ब्रह्म रूप में उन्होंने उनके हृदय में प्रवेश किया। जैसे गुरु जी हमारे कान में मंत्र प्रदान करते हैं, वो मंत्र रूप में ही भगवान हृदय में जाते हैं, उसी तरह उन्होंने दिव्य कथा रूप में ठाकुर जी देवकी गर्भ में आए और मैया देवकी गर्भवती धारण की। एक दिन कंस देखने के लिए आया तो पूरा उजला उजला हो रहा था, समझ गया मेरे काल आने वाले, कोशिश कर सोच रहा था इसको मार डालूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ है, मारने के लिए हिम्मत नहीं, दिन भर सोच रहा है काले काले और मुरली वाले मेरे
काल आने वाला, मेरे दिन रात उसको चैन नहीं आ रही है। भगवान जब गर्भ में आए 33 करोड़ देवता आकाश मार्ग में आकर के भगवान को स्तुति कर रहे थे। बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रि सत्य सत्य सजोनी निहितम च सत्य सत्य स सत्य अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मक त्वाम शरणं प्रपद्ये। भगवान को त्रिकाल, बोले प्रभु सत्य व्रतम, जिनकी व्रत सत्य है। हम लोग भी व्रत रखते हैं ना, एकादशी व्रत, जन्माष्टमी व्रत, एकादशी व्रत, ठाकुर भी कोई व्रत रखते हैं। जानते हो ठाकुर का व्रत क्या है? भगवान का व्रत है सकृत एव प्रपन्ना जस्तवाम स्मितत जाचते अभयम् सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम्। ये भगवान का व्रत है। अगर कोई एक बार निष्कपट होकर बोल ठाकुर तू मेरे में तेरा, एक बार ठाकुर जी कहते हैं अगर कोई बोल दे ना मेरा व्रत किया है अभयम् सर्वदा तस्मै, मैं हर समय उसको अभय प्रदान करता हूँ। इसलिए कब इस ठाकुर जी बोले, जिस समय विभीषण ने रावण उनको मारने पर, ठोकर मारने पर आकर के प्रभु राम की शरणागत हो गए, भगवान सप्त समुद्र को साखी करके कह रहे जो एक बार मेरे शरण में आ गया अभयम् सर्वदा तस्मै, उसको हर समय में अभय प्रदान करता हूँ। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, बोले जिनकी धाम सत्य है, जिनकी नाम सत्य है, जिनकी भक्त सत्य, जो तिकाल सत्य, कौन है? ये भगवान कृष्ण है। बोले हे प्रभु जो तुम्हारी शरण का आश्रय ग्रहण करता है कोई उनकी भक्ति जीवन में कोई बाधा नहीं दे सकते हैं। जैसे बाधा को सर पर प्यार रख करके ये निर्भय होकर विचरण करते हैं, लेकिन तेरे चरण कमल को जो छोड़ करके जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो कहते हैं भगवान निराकार निर्विशेष ज्योति, वो ब्रह्म ज्योति में हम लीन हो जाए, यहाँ पर कहते प्रभु तत्व पतंति अथवा अनादर जुस्मद अंग्रज, तुम्हारी चरण कमल को अनादर करने का नाते, तुम्हारी भक्ति को अनादर करने के नाते बड़े उच्च पद प्राप्त करते हुए भी पतंति अधः, उनका पतन होता है, लेकिन तेरे भक्तों का कभी पतन नहीं। क्यों? भगवान स्वयं कहते हैं कौन तय प्रतिजानी नमे भक्ता प्रणिशति, हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। सारे देवता जय जयकार कर रहे थे, इतने में भगवान अभी जन्म ग्रहण करने वाले, उसी समय देखो अगर यहाँ पर मोदी आए ना क्या उसके लिए स्वागत नहीं होता, कितने पुलिस, क्या कितना गेट, कितना स्वागत, कितने सजावट होता है, सारा दुनिया की पालन हर विश्व ब्रह्मांड का मालिक आ रहे हैं तो कितना सुंदर स्वागत नहीं होगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अतः सर्व काल पेत काल परम शोभन, एक साथ में 6 ऋतु प्रकट हो गए और वृंदावन दुल्हनी का भांति सधज गई, क्योंकि ठाकुर जी आने वाले इसलिए, और वृंदावन धाम तो इतने प्रसन्न हो रहे थे। क्यों? बोले प्रमद मदन लीला कंदर कंदर थे, ठाकुर जी कुंज कुंज में लीला करेंगे, कंदर कंदर में ठाकुर जी लीला करेंगे, वृंदावन धाम की आनंद की सीमा नहीं, वो दुल्हन जैसे सज गई। बोले क्यों? बोले हर अवतार में ठाकुर जी मेरे ऊपर कृपा की, जब सत्य युग में भगवान बराह अवतार लिए थे, पृथ्वी को उन्होंने उत्तोलन किया था, जिनकी स्पर्श से स्वयं गर्भवती धारण की ये पृथ्वी, जिसमें बराह अवतार में जब पृथ्वी उत्तोलन की थी उस समय उनको पत्नी रूप में स्वीकार की, रामा अवतार में भी ठाकुर कृपा किया। माँ सीता की कहाँ से जन्म हुई? बोलो जोर से, धरती से। इसलिए सीता को साथ में राम की शादी हुई, राम का ये धरती क्या लगती है? सासू लगती है। इसलिए कहते मेरे को राम अवतार में सासू बनाए। अभी कृष्ण अवतार आ रही है, वही पृथ्वी सत्यभामा बन करके आएगी, और भगवान नंगे पैर में वृंदावन में भ्रमण करेंगे, और जब भगवान भ्रमण करेंगे उसी समय में जो घास रूप में, घास नहीं उनको रोंगट खड़े हो जाती है, ठाकुर जब चिल्ले चलेंगे उनकी चरण स्पर्श से, उनको उन्हीं से चिन्ह पृथ्वी में स्पर्श करेगा, वो प्रसन्न हो रही थी पृथ्वी, यमुना नदी का तो आनंद की सीमा नहीं, क्योंकि ठाकुर जी उनको अपना सखी रूप में स्वीकार करेंगे, जल विहार करेंगे, जब मथुरा जाएंगे कालिंद रूप में उनकी पटरानी भी बनेगी। इसलिए श्री यमुना नदी इतने प्रसन्न होती कलकल नाद से, कहते कहां से ये यमुना पोती से निकलते हुए
बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, वो जय जयकार करते हुए आ रही थी। कहते और जितने नदियां थी और दूसरे नदी भी प्रसन्न हो रहे थे। बोले क्यों? बोले जो कालिंदी यमुना सबसे बड़ी बहन और जो नदियां इनकी छोटी बहन, जब कृष्ण की शादी यमुना जी से होगी, जितने छोटी बहन क्या बनेगी? साली। आप देखना दामाद कभी कभी पत्नी से साली को ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए हम कृष्ण की साली बन जाएंगे, कृष्ण हमें प्रेम करेंगे। कहते वहां पर कमल फूल ये खिलता है दिन में, लेकिन आज कमल फूल खिल गया रात में। बोले क्यों? कहते संत जन जब उदाहरण देंगे ठाकुर जी को साथ में, बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्र। भगवान के सारे स्वरूप को कमल को साथ में उदाहरण दे, नेत्र कमल, हस्त कमल, चरण कमल, नाभि कमल है। दूसरा कारण बताते हैं भगवान कौन सा कुल में आएंगे, चंद्र वंश में। लेकिन पहले जो आए थे ठाकुर जी रामावतार में, कौन सा वंश में आए थे? सूर्य वंश में। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जब ठाकुर जी सूर्य वंश में आए ना, कहते हैं एक महीना तक उत्सव चली और सूर्य रामचंद्र दिन दो पर में प्रकट हुए, दिन दो पर में उसी समय सूर्य का प्रचंड तेज रहता है। कहते एक महीना तक तो सूरज एक जगह पर खड़े हुए, टस से मस नहीं हुए। सारा दुनिया बोले श्री राम लाला की, सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे, लेकिन चंद्रमा एक कोने में बैठी बैठी कर रो रहे थे। भगवान राम बोले चंद्रमा देख मैं जन्म होने पर सारे खुश हो रहे, तू रो रहे क्यों? बोले रोएंगे नहीं कि हंसेंगे। बोले तू भी हंसना, तू भी नाच। बोले कैसे? देखो ये सूरज एक महीना से खड़ा हुआ, सूरज जाएगा तभी तो चंद्रमा आएगा ना, इसलिए सूरज जाए नहीं, एक महीना से खड़ा हुआ, मैं तो रामावतार में आपका उत्सव से वंचित हो गया। बोले चिंता मत करो, जब दूसरा बार आऊंगा ना तेरे वंश में आऊंगा। बोले पता नहीं कब द्वापर युग आएगा कब, लेकिन अभी तो वंचित हो गया। भगवान राम बोले कोई चिंता मत करो, मैं अपना नाम से तेरे को मैं जोड़ दूंगा, मेरा नाम तो राम है लेकिन सारा दुनिया मेरे को राम चंद्र बोलेंगे। खुश हो? बोले हाँ खुश हूँ। अभी भगवान आ रहे हैं सूर्य चंद्र वंश में आ रहे हैं। चंद्रमा से जब ठाकुर जी आए, भगवान जब आए रात को बीच में अष्टमी, अष्टमी के चंद्रमा आधा होती है, हैं बुधवार में रोहिणी नक्षत्र में भगवान जन्म हुए, इसलिए जब चंद्रमा आए, लेकिन आज चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा प्रकट हो गया। क्यों? जिनकी वंश में ठाकुर जी आ रहे हैं, आ रहे, इसलिए देखना चंद्रमा ऊपर में और मेघ, उसमें मेघ छाया हुआ था इसलिए मेघ नीचे चंद्रमा ऊपर, इतने में चंद्रमा और मेघ में झगड़ा हो गया। चंद्रमा बोले मेरे सामने से हट जा। बोले क्यों हटूंगा? बोले तेरे को पता नहीं है ठाकुर जी आज किस वंश में आ रहे हैं? चंद्र वंश में आ रहे हैं। बोले तेरे को पता नहीं ठाकुर जी किसका रंग लेकर के आ रहे हैं? इसलिए मेरे रंग लेकर के आ रहे हैं। संत जन जब उदाहरण देंगे ना, क्या उदाहरण देंगे? भगवान को श्याम को साथ में उदाहरण देंगे, काला मेघ नभ जल धर घन श्याम है, इसलिए मेरे साथ में उदाहरण देगी। बोले जो कुछ होने भी मेरे वंश में आएंगे ना, तेरे से ज्यादा सौभाग्य मेरा। देवता लोगों बोले भैया झगड़ा करने का समय नहीं, थोड़ी तू भी हट जा, चंद्रमा को आनंद लेने दे, तू भी आनंद लो। इसलिए सारा दुनिया आनंद में प्रसन्न हो रहा था। इसलिए हमारे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब आकाश में काला मेघ छा जाए, बोले चार व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। बोले कौन प्रसन्न? बोले किसान, क्योंकि बारिश नहीं होगा तो क्या होगा, सब खेती खराब हो जाएगा। बोले यहाँ किसान कौन है? बोले पितामह ब्रह्मा जी। उन्होंने क्या किया? सारे जीव जगत को उन्होंने ही सृष्टि की, लेकिन सारे दैत्य लोग आकर के इतने उत्पीड़न कर रहे थे, मानो ब्रह्मा की सृष्टि खत्म होने वाला था। लेकिन जब कृष्ण रूपी सूरज, कृष्ण रूपी मेघ आ गए, ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। बोले क्यों? बोले परित्राण आय साधु नाम बिना सायज दुष्कृता। भगवान क्या करेंगे? सारे दुष्ट को विनाश करने वाले ठाकुर जी, संत को रक्षा करने वाले, इसलिए पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। दूसरा व्यक्ति प्रसन्न होता है मोर। ये मोर कब नृत्य करता है? देखना आकाश में जो मेघ छा जाए ना, रिमझिम बारिश, गड़गड़ 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 शब्द हो, देखना मयूर पंख खोल करके धीरे धीरे कर नाचता है। बोले यह मयूर कौन? बोले नीलकंठ महादेव। कल हम सुनेंगे शंकर जी भी ठाकुर को दर्शन करने के लिए आते हैं, हैं?
और जो नंदीश्वर पर्वत जो नंदगाम और कोई नहीं, वो शंकर स्वयं नंदीश्वर बने हुए हैं। ठाकुर जी कब आएंगे ब्रज में, पहाड़ रूप में शंकर जी जन्म हुए। तीसरा व्यक्ति प्रसन्न होता है चातक, ये एक चिड़िया है, वो किसी नदी का नहीं तब किसी तालाब का पानी नहीं पिएगा, जब आकाश से बारिश हो ना स्वाधी नक्षत्र का पानी पीता है। कहते भैया यहाँ पर ये चातक कौन है, बल्कि ये नारद आदि जितने भक्त वृंद है। कब ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जी का कब दर्शन करेंगे, उनकी कब लीला दर्शन करेंगे, ये सब। पर चौथा व्यक्ति प्रसन्न होता है दावा नल में दंत हाथी, जब कहीं जंगल में आग लग जाए वहां पर कोई फायर ब्रिगेड काम नहीं करता है, जब आकाश में मेघ छाए बड़े जोर से बारिश ही होना तभी जाकर के आग की जंगल की आग नष्ट होती है, नहीं तो हाथी को बड़ा कष्ट होता है। इसलिए बोले ये लोग कौन है, बोले ये इंद्र चंद्र जितने देवता लोग भी, दैत्य लोग जो आक्रमण करते भगा भगा देते हैं, लेकिन कृष्ण रूपी आकाश में ये मेघ छा गया तो सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे ठाकुर जी जन्म होने वाले। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इतने में भगवान कृष्ण ठीक रात को 12 बजे ठाकुर जी कहां पर, कंस के कारागार में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। जब प्रकट हुए देव वसुदेव स्तुति करने लग गए, बोले हे प्रभु अब तो हम बालक रूप में प्रार्थना किया था, अब तो चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए। बोले देखो पूर्व जन्म में तुम दोनों प्रिश्नी और सुतपा थे, पेड़ से जो पत्ता झड़ जाता था उसको खा खा करके 12,000 साल तपस्या की, मैं जब संतुष्ट होकर के दर्शन दिया, बोले वर मांगो तुम दोनों ने बताया था अब हम पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ, मैंने कहा था मैं असमर्थ तत्व न तत् समस्या अधिक सदृश्यते, मेरे से बड़े की बात छोड़ दो मेरे बराबर भी कोई नहीं, मैं अभी बालक बन जाऊंगा, मेरे को लेकर गोकुल में रखाना, वहां पर एक बेटी को ले आना। बोले कैसे जाऊं, हथकड़ी बड़ी पड़ा हुआ, पहरादार सब जगे हुए, कितने बड़े बड़े ताला लगा हुआ, कैसे? बोले कोई चिंता मत करो, मेरे को अपना सर पर रख लो, अपने आप ये सब के सब खुल जाएगी। ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, देखो घर में कोई भी काम करो ना, जब हम ठाकुर जी को आगे रख करके कोई काम करते हैं, कहते ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। जब कोई घर में काम करे सबसे पहले ठाकुर को रखो, क्या करो, अरे बोलो जोर से, जैसे बच्चे का बर्थडे हो रहा है, अब देखना सारा यार दोस्तों को बुलाएंगे, अच्छे तरह सुनो, यार दोस्तों को बुलाएंगे, पता नहीं कितने बोतल तोड़वाएंगे और कितने बकरी मरवा देंगे, कितने मुर्गा को खत्म कर देंगे। देखो एक संत कह रहे थे, अच्छे तरह सुनो, बोले जिस बच्चे के उद्देश्य में तुमने इतने बोतल तोड़वाओगे, बोतल तोड़वाना जाने शराब पिलाओगे और इतने मुर्गा जानवर खिलाओगे, ये सारे जितने पाप किसको ऊपर लगेगा, जिस बच्चे के उद्देश्य तुम्हें कर रहे हो। वो संत कह रहे थे अगर वो बच्चा अगर 100 साल जिंदा रहना था ना, उसी दिन 50 साल उम्र में आ जाएगी, क्योंकि जिसकी उद्देश्य में तुमने इतने पाप कर्मा करवा रहे हो वो पाप को कौन भोग करेगा, जिसके उद्देश्य में तुम करा रहे हो। अगर घर में हरि कीर्तन किया, भक्तों को बुला कर ठाकुर का कीर्तन किया, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद बंटवाओ, देखना बच्चे का 50 साल होगा ना उसी दिन 100 साल हो जाएगी। इसलिए कभी भी, लेकिन हम क्या करते हैं, सारी यार दोस्तों को बुलाएंगे, पता नहीं कितने बोतल तुड़वाएंगे, मुर्गा खिलाएंगे और बकरी खिलाएंगे, लेकिन जिसने सब कुछ दिया ना वो चुपचाप बैठा हुआ, उसको थोड़े से दूध नहीं तो थोड़ा इलायची दाना भोग लगा देंगे जिसने दिया, और बेटे बच्चे के लिए कितना ड्रेस होगा, फिर उसको बच्चे के लिए और 4-8 तरह का ड्रेस पहना देंगे। लेकिन ठाकुर जी बैठे हुए 10 दिन से, ठाकुर बैठे हुए 15 दिन, 1 महीना हो गया, एक कपड़ा पहन कर, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया उसके लिए कुछ भी नहीं, और जिसने कुछ भी नहीं दिया ना वही बेटा जो बड़ा होकर के लिखाओगे पढ़ाओगे सब कुछ करोगे नौकरी चाकरी कराओगे, घर में जो बहू आ जाएगी ना एक रात में ऐसे मंत्र देगी दूसरे दिन बेटा का बुद्धि खराब, उसी के लिए कर रहे हो। लेकिन ये द्रौपदी, द्रौपदी भगवान वस्त्र हरण करते समय क्यों वस्त्र दिए, कारण क्या है, एक समय भगवान का अंगुल कट गया, भगवान परीक्षा कर रहे थे, वहां पर द्रौपदी ने किया कि अपना साड़ी को फाड़ दी और ठाकुर जी के अंगुल में बैंडेज गिर दी, भगवान रीझ गए, बोले द्रौपदी मेरे लिए तुमने साड़ी नहीं देखा, एक दिन जरूर तेरी ऋणी उतारूंगा, एक दिन जरूर,
जब भरी सभा में उसकी लाज जा रही थी, द्रौपदी का कितना पति थे बोलो देखी, बोलो जोर से बोलो, पांच। और कैसे थे अर्जुन सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी, भीम सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, नकुल सहदेव तलवार युद्ध में और भाला युद्ध में श्री युधिष्ठिर बराबर कोई करने वाले नहीं थे। लेकिन जब वस्त्र हरण हो रही थी कोई पति उसके काम में आए, उसकी पांच पांच पति काम नहीं आए, तुम्हारे तो एक पति कौन सा काम में आएगा। लेकिन काम में आया तो कौन आए बोलो, उस समय कौन आए काम में, बस हमारे कन्हैया आए, केवल बांके बिहारी आए काम में। जब दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद राघ शरण अब जीवन हरी, भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हो गए, 10,000 हाथी की ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई। इसलिए ठाकुर जी शिक्षा देते, भैया करना तो ठाकुर के लिए करो, बच्चे का बर्थ डे हो, तुम्हारी शादी हो, लेकिन सबसे पहले देखो ठाकुर जी के लिए कपड़ा है कि नहीं, ठाकुर को क्या चीज भोग लगेगा, ठाकुर के लिए पहले ठाकुर को देखो। अगर ठाकुर जी खुश हो गए ना, तुम भी खुश में रहोगे, ठीक है ना। क्या करोगे माताएं, ध्यान देकर सुनो, एक उदाहरण देकर समझाए। जैसे अपना शरीर को बढ़िया से सजाओ, अच्छे तरह से सजाओ, और शीशा को सामने खड़े हो जाओ, आप देखना ये शरीर को जैसे सजाओगे ना, तुम्हारी परछाई वैसे सज जाएगी। सज जाएगी कि नहीं, परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, शरीर को सजाओ परछाई सज जाएगी। इसका मतलब है अच्छे तरह से इतना लेकर जाओ, जितने सुंदर घर में ठाकुर जी को, जैसे लड्डू गोपाल तुम्हारी घर में कृष्ण हो, राधा सीताराम हो, आप स्वयं देख लेना जितने सुंदर इनकी तुम सेवा करोगे, भोग लगाओगे इतना, रोज रोज उनको स्नान कराओ, रोज रोज कपड़ा पहनाओ, आप स्वयं देख लेना जितने सुंदर इनकी सेवा करोगे ना, संसार में तुम इतने सुंदर हरे भरे रहोगे, इतना सजदा होगे। अगर तुम्हारे घर में करोड़ रुपया है लेकिन ठाकुर को सेवा नहीं हो रही है तुम्हारे घर में, ठाकुर बैठे हुए मांस मछली खा रहे हो, प्याज डाल कर खा रहे हो, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा रहे हो, करोड़ रुपया भी घर में आ जाए, शास्त्र कहता है वो लक्ष्मी कभी तुम्हें शांति सुख नहीं देगी। लक्ष्मी नारायण की लक्ष्मी तुम्हारी है ही नहीं, वो लक्ष्मी तभी खुश हो रहेगी, तभी खुश देगी लक्ष्मी जब कृष्ण सेवा में लगेगी, नहीं तो अरब खरब रुपया आएगा देना, बो बोई में लड़ाई कोर्ट मामला लग जाएगी, नहीं तो बीमारी दे देगी, सारे पैसा उधर भेज जाएगी, घर में लड़ाई लड़ाई लगा देगी। इसलिए चीज को समझो, इसलिए यहाँ पर जब कृष्ण को सर पर रखे क्या हुआ, सारे दरवाजा खुल गए, पहरादार सो गए। मतलब जब भगवान को आगे रख करके चलोगे, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे, हाँ इतना चीज कम से कम कथा से लेकर के जाओ, ठीक है। अभी ठाकुर जी को लेकर जा रहे हैं, रिमझिम बारिश हो रही थी, अनंत देव छतरी कर रहे थे, जब यमुना नदी आई, यमुना भी लपाल और पानी भरा हुआ, इतने में यमुना भी चाह रही है मैं भी थोड़ी ठाकुर का चरण स्पर्श करो, उनने पीछे से चरण बढ़ाया, ठाकुर चरण स्पर्श करके फिर यमुना नीचे आ गई, जोग माया सियार रूप में जा रही थी, बोले इतनी सी पानी, फिर उनने पार होकर के मथुरा चले गए और उन्होंने बेटे को रख करके बेटी ले आई। इसलिए आज तक हम लोगों ने कथा सुनी कृष्ण कैसे मथुरा में प्रकट हुए, कल हम कथा सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म हुए। जो गोकुल की जो जन्म कथा है ना, हमारे गोस्वामी लोगों ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, कल एकदम नया कथा सुनेगा आप, जीवन में मुझे लगता है कभी सुने नहीं होंगे कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म हुए, बड़ी सुंदर कथा कल हम लोग, और राधा रानी कल जन्म लेगी। आज माता कौन सा रंग का सूट सलवार पहन करके आई हो, पीला रंग है ना, कल सबके सब गुलाबी रंग के पहन करके आना, जो गुलाबी रंग है ना वो प्रेम का रंग है, जैसे गुलाल खेलते है ना ये, जैसे देखो हम लोग ये कपड़ा क्यों पहनते हैं, ये रंग प्रेम का रंग है, हैं ये गुलाल रंग प्रेम का रंग है, इसलिए कल गुलाल रंग पहन करके आना, भाई लोग भी अच्छे अच्छे कपड़ा पहन कर आना, कल राधा रानी की जन्म की कथा सुनेंगे। कुछ कुछ लोग बोलते भैया आप इतने राधे राधे बोलते हो, ये भागवत में तो राधा जी का नाम है ही नहीं कहीं, कल हम सुनेंगे ये भागवत में कहाँ राधा जी का नाम, और भागवत में राधा जी को छोड़कर और कुछ है ही नहीं। ले आओ भैया देवों की वसुदेव को ले आओ, हरे कृष्ण आ रहे, ये सब खुला फूल है, सब हाथ में थोड़ा थोड़ा फूल दे दो भगवान को, फूल से अभिषेक ले आओ, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।
ब्रजदेव की वसुदेव की ब्रज नंदा जसोदा की जय जय श्री राम। प्रभु ये फूल है ना, सबका हाथ में थोड़ा थोड़ा दे दो, फटाफट दे दो फूल को, भगवान को थोड़ा, भगवान को कर फेंको फूल, सबका हाथ में थोड़ा थोड़ा दे दो, माताओं को भी दे दो। बोले सुस्वागत उसको 84 लाख जोड़ी नाचना खत्म हो जाएगी। बढ़िया से सबके सब नाचना। सखी चलो नंद के द्वार, हाँ द्वार दादा के दर्शन करिया से। सखी चलो नंद के द्वार, thank you।